रेनू तैयार हो गई। रेनू देख मेरी आशा आई है। क्या बात है, कहाँ जा रही हो? इम्तिहान खत्म हुए हैं, इससे आजकल हम लोगों का वक्त सैर सपाटा और मौज मजे में ही कटता है। आज मेरा बर्थडे है और सब लोग मेरे बंगले में इकट्ठे होंगे, नहीं कुछ नाच गाना भी होगा। जियो खेलो कूदो, अभी तो तुम लोगों के बाहर के दिन, मैं जाऊँ, मुझे स्कूल जाना है। नहीं आशा, ये मैं नहीं दूंगी, ये मेरी बड़ी प्यारी चीज है, तुम इसे न मांगा करो, मुझे शर्माती। अच्छा नाजी, ये देख अपनी जैसी साड़ी तेरे लिए दिलाई है रेनू, ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है, पहन तो ली, अब मेरे लिए क्यों? रेनू तू हमेशा इसी तरह बातें करती है। आशा तू है बैरिस्टर सिन्हा की लड़की और मैं हूँ एक गरीब स्कूल मास्टर की लड़की। मैंने कभी ऐसी बात की है जिससे मालूम हुआ हो कि मैं अमीर हूँ आप तू गरीब? की तो नहीं, तो कर सकती हूँ, इतनी नीच हूँ मैं। क्या हुआ, बर्थडे मनाने जा रही थी तुम लोग तो, अब महावारा शुरू कर दी क्या? तुम्हें बताओ ना मासी, आज हमारा बचपन से साथ है। अच्छा मैंने कभी ऐसी बात की है जिससे मालूम हुआ हो कि मैं बड़े आदमी की लड़की हूँ? आखिर हुआ क्या? मासी कल बाजार गई थी, ये साड़ी मुझे अच्छी लगी, खरीद ली। तुम तो जानती हो जो भी खाऊंगी पहनूंगी बिना इसे सिलाए पहनाए मुझे चैन नहीं पड़ता। अपने लिए साड़ी खरीदी, इसके लिए भी ले ली, अब जब देने आई हूँ तो तुम पहनो भाई, तुम बड़े आदमी की लड़की हो, हम करीब ठहरे, तुम्हें शोभा देगी। मैंने ये कब कहा था? रेनू साड़ी ले ले, ले लूंगी। नहीं मासी, इसे आज ही पहन के जाना होगा। क्या पहना? अभी तो मैंने ये साड़ी पहन रखी है, कल पहन लूंगी। नहीं मासी, आज सब लोग मेरे बंगले में इकट्ठे हो रहे हैं, इसे आज ही पहन के जाना होगा। जब पहन दिया चुड़ैल वो कर जीतती। गोरी जरा धीरे चलो, पतली कमरिया लटक नहीं जाए। गोरी जरा धीरे चलो, पतली कमरिया लटक नहीं जाए। गोरी जरा धीरे लटक मेरी बल्लो क्या बात है, ये परेशान सा चेहरा, उदास निगाहें, किसी ने कुछ कहा है? मैं हमसे नाराज हूँ कहोगी ना? Okay.
बहुत बुरा हुआ, लता मालूम हो जाएगा तो वो बहुत ही बिगड़ेगी। अच्छा है ना राजू, बड़ा मजा आएगा। इस वक्त तुझे आने को कहती तो कभी ना आती। सुरेल का मछली पकड़ने का शौक तो देखो, ना जाने कहाँ से इतनी फिशिंग आती है। Thank you.
जाती हूँ आशा। क्यों? आंधी आ रही है, अभी निकल जाऊँ तो अच्छा है। चलो मैं छोड़ा। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, जरा ठंडी ठंडी हवा में जाती हूँ, पैदल अच्छा लगता है। जरा ठहरो। रुक जाती तो अच्छा था। नहीं मैं जाऊंगी। ये रेनु की सड़क मुझे अच्छी नहीं लगती, वैसे बिठा चल। यही तो आदत खराब लगती है मुझे। अब तुम कितना रहती पर वो नहीं रुकती। ये लो पानी बरसने लगा। लता रेनु अगर भीग गई तो जरूर बीमार हो जाएगी। अभी वो रास्ते में होगी, मैं गाड़ी लेकर जाऊँ उसे घर तक। अरे भीगेगी कहाँ, छाता ले गई है, तान लिया होगा, बीमार वहां कुछ नहीं पड़ेगी, बेकार बात। चोट तो नहीं लगी? जी नहीं। चलिए आपको घर पहुंचा दूं। कहाँ रहती हैं आप? तिलक रोड पर। अकेली रहती? जी नहीं, माँ भी। कहाँ गई है? लड़कियों के स्कूल में है, वहीं गई हुई। अच्छा देखिए, घर में टीचर आई थी जी। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं खुद ले आता हूँ। कहाँ रखी? उस अलमारी पर। लीजिए, जहां भी लग गया हो लगा लीजिए। ये क्या? आपके हैं जितने रिकॉर्ड सब प्रेमेंद्र जी के? जी, he is my favorite singer. मैं गाने वगैरह के मामले में कुछ ज्यादा नहीं जानता, शायद यही वजह है कि मिस्टर प्रेमेंद्र मुझे घटिया किस्म के गाने वाले लगते हैं। आपका टेस्ट संगीत के बारे में काफी ऊंचा नजर आता है। थैंक यू, मुझे घर पहुंचाने के लिए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आपको प्रेमिन जी के खिलाफ कुछ कहने से चोट पहुंची? जी हाँ। मोटर गाड़ी के धक्के से भी ज्यादा? जी, मैं प्रेमिन जी की बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे उनके गाने बेहद पसंद है। आई लव देम। आई हेट देम। मुझे उनके गाने बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, दरअसल मैं उन्हें गवैया मानता ही नहीं। आप यहाँ से जाती हैं, मैं किसी को बुलाऊं? आपको ये तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ब खुद ये तकलीफ कर लेता हूँ। तुम बिन चैन
गाने नहीं पसंद, मेरे ख्याल में वो गाना बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन क्या किया जाए, डेमोक्रेटिक जमाना, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो मेरे। आप यहीं करें, मैं अभी बुला के लाता हूँ। ये देखिए मिस्टर पिन, मिस्टर प्रेमेंद्र ग्रेट, हमारे ऑल इंडिया रेडियो मॉडर्न ग्रामफोन कंपनी लिमिटेड के मशहूर कवैये, जिनकी शोहरत तमाम हिंदुस्तान भर में छाई हुई है, जिनके गाने पर लोग वाह 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 करते हैं। यही वो हस्ती है जो दूर से नाजनी के दिलों में गुदगुदी सी पैदा कर देते हैं, एक मीठा सा दर्द सा पैदा। और मिस्टर प्रेमेंद्र, आप हैं मिस रेणुका कुमारी, यानी कि मिस रेणु। और मिस्टर प्रेमेंद्र, आप ही वो हस्ती जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आपकी जरा सी बुराई करती फाट से मुझे घर से बाहर से निकाल दिया। जी हाँ, और अगर थोड़ी देर और इनके घर में रह जाता तो प्रेमेंद्र जी सर मुंडा के लुटिया डोर बांध दी होती मेरे साथ। प्रेमेंद्र जी, आप आपकी आवाज पे जान देती है, आपके गाने पे फिदा है, आपके गाने की एक एक मुर्की पर इनका दिल सौ सौ पल खाता है। क्या कहने, क्या कहने प्रेमेंद्र जी, जी नहीं अभी बस कैसे हो सकता। जब आपका गाना रेडियो पे होता है उस दिन आंधी हो, तूफान हो, बिजली कड़कती हो, बादल क्यों ना बरसते हो, मीलों दूर एक रेडियो क्यों ना हो, रास्ते पे कंकड़ पत्थर तो क्या सांप क्यों ना रेंगते हो, सबकी परवाह ना करते हुए रेडियो की तान पर मुग्ध हुई चली जाती है किसी हिरनी की तरफ। ओ सदके सदके, कसम हो गया। क्या हुआ? मेरे से क्या आशा लगा? आशा, अरे आप कहाँ चल रही हैं? आप घबराते क्यों हैं? मैं तो आपके पास हाजिर हूँ ना। अरे रेणु, हाँ बड़ी साहब। अरे रेणु, तू कहाँ है यहाँ? रेणु, मैं यहाँ। अरे रेणु, तुम यहाँ कैसे आए? मैं, आप ही बताइए ना मैं यहाँ कैसे आई। हाँ हाँ साहब, मुझसे सुनिए साहब। हाँ क्या? क्या यही कि आप यहाँ कैसे आए? हम यहाँ कैसे आए? हाँ बताइए। राह पर दर्द के जोर से रा
चली आई वो अपनी मंजिले मकसूद पर। हाँ? अरे रेनु, ये कौन मुर्गा है? यही प्रेमन जी है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। यो जी। लेकिन एक बार लिटलर में मैंने प्रेमन जी की फोटो देखी थी। नहीं जी, वो गलत फोटो देखी होगी। प्रेमन जी तो यही है। जी छोड़िए साहब, क्या बातें कर रही हैं आप। मैं तो कहता हूँ कि आपने फोटो गलत नहीं देखी है, और बिल्कुल अगर आपको मेरी बात का एतबार ना हो तो मैं अभी तबला और कुछ गाना सुनाने के लिए। अरे क्या है प्रेम जी, तो अंदर गए रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है, मेरा काम शुरू है, आपसे भेज रहे मैं आता आप देख सकता। मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं इधर से गुजर रहा था, दरवाजा खुला देख चला आया, सोचा आप भीतर होंगी। ये आपने कैसे जाना कहीं अंदर होंगी? इस तरह से दरवाजा खुला आप जैसी लापरवाह लड़के छोड़ सकती है माँ नहीं। और मुझे तो आपसे मिलना भी था। क्यों? मुझे आपको एक चीज देनी है। क्या? ये देखिए, प्रेमन जी ने भेजा, ये उनका सबसे लेटेस्ट रिकॉर्ड है, अभी निकला है। वो जानते हैं कि आपके यहाँ उनके सब रिकॉर्ड है, इसलिए फौरन ही अपना नया रिकॉर्ड भेज दिया, वो ऑटोग्राफ भी किया है। मैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। हाँ, और मिलने के लिए बहुत बेचैन भी है, मुझसे कहने लगे पूछते आना कहाँ मिलेंगे कब मिलेंगे। हाँ, मैं तो नहीं यहाँ ला रहा था, मुझे तो आपका घर मालूम ही था। पर उन्हें यहाँ मत लाइए। क्यों, क्या बात? कुछ नहीं। क्या आपको उनके गाने पसंद नहीं, उनके गीतों के आप जान नहीं देती? नहीं नहीं, ये बात नहीं, मैं घर पर किसी से नहीं मिलना चाहती, मन आ रहा है। ओ दीजिए अपनी अमन। प्रेमन जी की ऑटोग्राफ की हुई फोटोग्राफ, ये भी उन्होंने आपके लिए भेजी। दीजिए दीजिए दीजिए। एक बात पूछूं? पूछे। बुरा तो ना मानिएगा? जी नहीं। आज प्रेमन जी के बारे में आपका जोश कम क्यों हो गया? उस दिन तो मैंने उनके गाने के खिलाफ कुछ कहा ही था कि आपने करीब करीब मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, और आज मैं उनका नया रिकॉर्ड लाया हूँ, आप दौड़े दौड़े उसे बजाने नहीं गई, उनकी ऑटोग्राफ फोटो लाया हूँ, उसे देखकर आपकी बातें नहीं थी। क्या बात है? बात कुछ नहीं, आज सुबह से जरा मेरी तबीयत खराब। हाँ, ये बात सुन। फिर क्या बात है, आप ही बताइए। अगर बाहर ना निकाल देने की बख्शिश पाऊँ तो कुछ कहूँ? कहिए। बात तो नहीं निकाल दीजिए। जी नहीं। बात ये है कि जब से आपने प्रेमन जी को देखा है, तब से आपके मन का रोमांस जोश कपूर की तरफ फुर हो गया है। आज हमें मालूम हुआ कि लड़कियां भी लड़कों की तरह उनके गुणों की खरीदार नहीं होती, सिर्फ सूरत देखती है, खूबसूरती देखती है। हम लोग भी तो आखिर इंसान हैं, हमारी भी आप जैसी आंखें हैं, जो काले को काला देखती है और सफेद को सफेद। देखने में कुछ बुरे तो नहीं हो मिस्टर, अच्छी खासी शक्ल पाई है। और मियां, शीशे में हर इंसान को अपनी शक्ल अच्छी मालूम होती है, चाहे वो कितनी ही बशक्ल क्यों ना हो। पर ये बात तो नहीं भाई, दोस्त यार भी कहते हैं कि बेटा राधा कांत कुछ भी हो कहना पड़ता है कि हो कुछ। मक्खन लगाते होंगे मक्खन। देखिए, भगवान ने आपको भी हमारी जैसे आंखें दी, जो काले को काला देखती है, सफेद को सफेद। सर हमें देख के बताइए तो हम काले नजर आते हैं या सफेद? सफेद सफेद। हाँ, यम यम यम। हे युवा प्रिंस डिवाइन, कामरान का शहजादा, आज 10 मरतब आपके सिले के चक्कर भी लगा चुका हूँ, जोर जबरदस्ती इस घर में आ भी गया हूँ, कहिए क्या हुक्म है? वो काप काटना शुरू कर दो। शुक्र है आप सची तो, वरना अगर आपका यही मूड रहता तो ना जाने क्या हो जाता। हमें थैंक्स दीजिए। थैंक्स। ओह दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, भगवान आपका भला करे। अरे कहाँ चलती है आप?
बैरागी को भिक्षा मिल गई, चलती अपने रास्ते। दक्षिणा में चाय तो पीते जाइए, नहीं तो अभी आप कहेंगे बाहर न निकाल देने की बख्शिश को। तो एक बात कहूँ, यही के लड़कियों को इतनी भी तमीज नहीं आती, मेहमान की खातिर करना भी नहीं जानती। तो आपको ये मेहमान नवाजी मंजूर है? मैं तो मानना मान तेरा मेहमान होकर सिर पड़ा था इस घर में। जब आप खुद ब खुद अंदर आ गए तो खातिर तो करनी होगी। अंदर आ सकता हूँ? मैं तो डर गई थी, बड़े वो हैं। अरे ये क्या, तुम सबके सब इस तरह खामोश क्यों बैठी हो? बाजी घर बुला भेजा और हमें यहाँ बिठा कर सबसे सब गायब हो गए। अपना सब मुंह लिए बैठे। और वो कहाँ गई तुम्हारी गुलाबों की किताबों? तुमने तो खूब वायदा करके बुलाया था कि सब लोग आना, छोटी मोटी पार्टी होगी, तुम लोग को एक छोटा सा कॉन्सर्ट दिखाऊंगी। कहाँ गया वो कॉन्सर्ट? कहाँ गई वो कॉन्सर्ट दिखाने वाली? अच्छा तो कॉन्सर्ट पहले ही जा खाना। कॉन्सर्ट सब रेडी, 1 2 देख ले दुनिया भी मेरे कैसे मजबूर हो गए।
सामने हो गए अमर मेरी बला जब सामने हो गए बस तुम ही मजनू सच्चे क्या अदाएं पाई है बस तुम ही मजनू सच्चे बस तुम ही लता भाई रेनू कहाँ गई कपड़े बदलने गई होगी अरे तो आपने नहीं बदले कपड़े अजी आपकी दुआ से अपना तो ये खानदान नहीं चाहिए थैंक यू डार्लिंग ले ली है हजार बार कहा मुझे तेरी बदतमीजी अच्छी नहीं लगती मेरे बिना तेरे बात क्यों खोल डाला मैं तो तुझसे तंग आ गई हूँ हर बात का मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता कहाँ जा रही है क्या हुआ रेनू रेनू सुनो तो आपकी वजह से फ्रेंड्स के बीच में बेइज्जती हो गई अब क्या मेरे पीछे पीछे घूमकर आप चारों तरफ बदनामी करेंगे आखिर बात क्या है कुछ कहोगी ओ, ओ, ये तो मैंने खुद ही आपके वैनिटी बैग में रखी थी क्यों इसलिए कि यूं तो आप मेरी फोटो नहीं मांगती थी मैंने सोचा मैं खुद ही रख दूं आपके बैग में ये आपसे किसने कहा कि मुझे आपके फोटो की जरूरत है तो आपने नहीं कहा लेकिन हाँ इतना आप जरूर कहती थी कि मैं काले को काला देखती हूँ सफेद को सफेद मैं समझता था कि प्रेमिन जी की फोटो देखकर आपने काला तो देखा अब सफेद देखने की जरूरत पड़ी देखिए आप ज्यादा बात बनाने की कोशिश मत कीजिए आप नहीं जानते इस फोटो की वजह से मैं कितनी मुश्किलों में पड़ गई लेकिन हुआ क्या हुआ ये फोटो लता के हाथों में पड़ गई आपने खुद ही दिखाई होगी उसे मुझे क्या जरूरत पड़ी थी आपकी फोटो दिखाने उसने मेरे बैग से ले ली देखिए आपकी सहेलियां सख्त बदतमीज है क्यों इसलिए किसी का बैग खोलना सख्त बदतमीजी है उसमें बदतमीजी क्या बात है हम लोग अक्सर एक दूसरे का बैग खोल डालते हैं चोची देखो तो सही अरे मत खोलिए मैं कह रही हूँ आपसे तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो लता देख सकती मैं नहीं देख सकता इसमें बहुत जरूरी चीज है आपको मेरी पसंद फिर आप भी तो अजीब लगती है आजकल की मेन साहब चार मरतबा इस बैग में से शीशा निकाल कर यूं वोट लाल करती हूँ रात है कितने दिनों तक बैग ही नहीं खोला नहीं खोला तो आपसे क्या और अगर लता ने फोटो देख लिया तो मुझसे क्या देखिए आप हंसकर बात उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं अब ये क्या हो रहा है रोकर बात उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए आप हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं तुम भी अजीब लड़की हो हंसकर चैनी रोकर चैनी क्या उठकर नाचो हार भी मैं आपकी बातों से जो भी आपके पल्ले पड़ेगी जिंदगी भर रोती ही गुजरेगी
हमारी फोटो दीजिए, हम अपने घर जा रहे हैं। अब क्या हुआ? आपने बेइज्जती की हमारी होने वाली बीवी की, ये उसकी इंसल्ट है। अच्छा, गलती हुई, ऐसा काम नहीं बनेगा। तो क्या हुआ? माफी मांगी। आई आपकी होने वाली बीवी, माफ कर दो। क्यों, माफ नहीं किया? उसके होने वाले पति देव से भी माफी मांगी। अच्छा, माफ कर दो। वो क्या? एक प्याला चाय पिलाइए। आखिर हसी तो देखिए जनाब, आप हमें अपने घर में नौकर रखिए, हम दूसरों का हंसाने का काम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अंदर कोई होटल है जो कि चाय मांगते यूं आ गई? जी हाँ, होटल है। अच्छा जी, लेकिन होटल में जो मांगा जाए वही मिला करता है, ये मिठाई कैसे? ये मिठाई हसानी कमीशन। मैं जानती थी आप दोपहर को जरूर आएंगे, चाय तो पिलानी ही पड़ती, इसलिए जाने से पहले अंगीठे पर पानी चढ़ा गई थी और फिर जल्दी ही वापस आ गई। तुम चाय नहीं पियो? नहीं। तो लो खा लो। तो नौकरी कीजिएगा? किसकी? अभी जो कर रहे थे आप। अच्छा, हाँ जरूर। क्या तनख्वाह लीजिएगा? तनख्वाह तो जरूर से ज्यादा लूंगा। आखिर कितनी? छोड़ो, काम का निकाल दोगे, चाय भी हाथ से चली जाएगी। मेरी सुन, सोच लो। सोच लिया। कब? तनख्वाह में 8। बहुत बढ़ गए हैं आप। हद से ज्यादा रेनू। लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया आप कौन हैं, क्या हैं। मैं कौन हूँ क्या हूँ ये तो नहीं जानता, पर एक इंसान में इतना बतला सकता हूँ बस। आप कुछ और जानना चाहती? नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानना चाहती, पर समाज और माँ, उन्हें मैं जवाब दे दूंगा। कैसे? एक शरीफ आदमी हूँ, सराजन और लेडी आने वाला का लड़का हूँ, ईश्वर की दया से घर में पैसा खुद अपने लिए भी कमा सकता हूँ, और सबसे ऊपर सफेद हूँ। आपको अपने ऊपर बहुत घमंड था तो, लेकिन जब से इस घर में आया हूँ तब से। आप कुछ मेरे बारे में जान पाए? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहता जी, मैं तुम्हें जानना चाहता था, तो जान लिया। क्या? सुन, आप नहीं जानते, छोड़ दीजिए मुझे। क्या हुआ? सुनो, नहीं। हुआ क्या? नहीं जी, मैं नहीं मानती, वो प्रेमिन जी ने। प्रेमिन जी नहीं
रेनू ने मिलाया तो था। रेनू की बात छोड़ो, उस दिन तो खुद ही इसकी अकल बिगड़ी हुई। इतना अच्छा गाने वाला, इतने लंबे लंबे दांतों वाला बंदर नहीं हो सकता। एक काम करना होगा। वो क्या? एक बार फिर उन्हें ग्रामोफोन कंपनी में पकड़ना होगा। ओ, हम नहीं जाएगा उधर। अच्छा, तुम नहीं जाएगी? जी, आप तो जाएंगी वहां प्रिया मिलन को। मैं वहां जाकर क्या करूंगा? एक से दो अच्छे होते हैं, जरा हिम्मत रहेगी। और फिर उस दिन रेनू के प्रेमी की हम सबसे ज्यादा तो तुम्हें आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। हम तुम्हारा दांत तोड़ देंगे। सजा माफ किया। कहाँ से चली आई?
आइए जी, नमस्ते। आप लोग आइए आइए, कैसे तकलीफ की? आप शायद प्रेमन जी को मिलने आए, वो अभी अभी शायद उस दरवाजे से बाहर गए। आप बैठिए, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। बैठिए 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 पता जी, तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए, मैं अभी बुला के लाता हूँ उन्हें। कुछ समझ में नहीं आता, क्या हुआ? मैंने इन्हें देखा है। कहाँ देखा है? समझ में नहीं आता कहाँ देखा, वहां से मैंने इसे देखा कहीं। नमस्ते नमस्ते। ओह नमस्ते नमस्ते। अरे आप लोग कब आए, कैसे आए, क्यों आए? आप लोगों से मिलकर तबीयत बड़ी खुश हुई। और आप, आपका मिजाज कैसा है? जी बहुत अच्छा है। शुक्र है शुक्र है। आपका नाम ही मालूम न था। कितना मन चाहता था कि काश आपका नाम ही मालूम होता। जी इनका नाम है लता रानी। क्या कहा? लता रानी, क्या गजब का नाम है। मगर मैं पूछता हूँ कि आना कैसे हुआ? बस ऐसे ही, ये आपसे मिलने चली आई। अजी मैं कहता हूँ कि क्यों फजूल तकलीफ की आपने? अजी अपना पता ही क्यों न दे गई? अरे मैं तो आपकी खिदमत में खुद हाजिर हो जाता। कोई आता है पैरों से, हम आते अपने सर के बल से। मतलब खैर कोई बात नहीं, मगर हाँ आप जरा बेवक्त आइए, मेरा रिकॉर्डिंग का एक प्रोग्राम बाकी है। रिकॉर्डिंग के प्रोग्राम के बाद तक आप ठहरे तो कम से कम आपके साथ चलकर आपके मकान का नंबर तो देख लो। यहाँ जरूर, ये आपके घर के पास ही रहती है। कुछ नहीं, ये आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। I'm very sorry. माफ कीजिएगा प्रमेंद जी, मैं समझा अकेले हैं। कोई हर्ज नहीं, आइए आइए। माफ कीजिएगा, एक जरूरी काम था इसीलिए यहाँ आना पड़ा, वरना ऐसे मौके पर आपसे बिजनेस के मुताबिक बातचीत करना कुछ मुनासिब नहीं था। तो प्रेमन जी, जी हाँ जी हाँ जी, कहिए ना कहिए ना, बोलिए ना जी। मैंने कहा वो जो अगस्त के महीने की डेट्स आपने दी हैं ठीक हैं, मगर साहब क्या किया जाए, आपके गानों की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। प्रेमन जी जरा आप अपना प्रोग्राम देख कर बताइए कि सेप्टेम्बर में आपके पास कौन कौन सी डेट्स हैं। देखिए बात दरअसल ये है कि मैं सेप्टेम्बर में आपको पहले से बुक करना चाहता हूँ। जी हाँ जरूर बुक कीजिए। और शराब कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप हैं हमारी कंपनी के प्रोग्राम डायरेक्टर और आप लोग हैं हमारी हमारी लड़कियाँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रेमन जी जरा आप अपनी डायरी देख कर बताइए कि सितंबर में आपके पास कौन कौन सी डेट। डायरी डायरी हाँ डायरी 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 लिखिए, आप क्या रखना चाहते हैं? हाँ जी तो आप सितंबर की डेट चाहते हैं, अच्छी बात है। लिखिए पहली दूसरी रेडियो, तीन तारीख उनके घर चक्कर लगाना, और चार तारीख रास्ते में इंतजार करना, सॉरी तीन चार, हमारे तीन चार खाली नहीं है, सात तीन चार खाली नहीं है, पांच तारीख खाली है, पांच तारीख लिखिए। हाँ जी छः सात सेम कंपनी, आठ तारीख प्राइवेट कंसल्ट, नौ तारीख को फिर से घर चक्कर लगाना, और दस तारीख को रास्ते में छेड़ना, और ग्यारह तारीख को कुछ कुछ बातें करना, सॉरी सॉरी आठ नौ दस ग्यारह खाली नहीं है, साहब बारह तारीख खाली है, बारह हाँ बारह तारीख लिखिए। अभी लिखिए लिखिए ना ये लिख लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी आपको डेट्स लगा रहा हूँ। शुक्रिया। घड़ी में पांच बज रहे हैं, नंबर दो में रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली है, वहाँ पर तबला कौन बजाएगा? तुम क्या मैं? आप तबला? आइसे जाकर तबला बजाओ। अरे जाकर तबला बजाओ। आइसे यू गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, गेट आउट। क्या मुसीबत में जान है, इज्जत का दीवाना है, किन जाहिरों से पाला पड़ा है। माफ कीजिएगा जरा मामले में कुछ गड़बड़ेशन हो गई। गेट आउट फ्रॉम हियर। ओह यस माफ कीजिएगा जरा बदतमीजी हो जा रही। तब क्या बताऊं मिस्टर प्रेमेंद्र कमबख्त बेदिल को। बेदिल? जी हाँ बेदिल तबलची। तबलची? जी हाँ तबलची। इस तबलची को प्रवीण जी ने बहुत सर चढ़ा रखा। Well, that is personal matter. I can't say anything. प्रवीण जी मेहरबानी करके सितंबर की डेट सही सही लिखी। डेट कैसे दूं आपको? वो तो मेरी डायरी भी लेके चला गया। और damn this तबलची। मैंने कहा प्रवीण जी नमस्ते। जनाब इस वक्त सुनने की क्या जरूरत थी? नहीं जी बात यह है कि वो बात मिलने आते हैं इसलिए मैं। तो फिर हम चलते फिरते नजर आ गया। ये लो क्या है माँ, तुझे क्या हुआ है? मैं देखती हूँ तो आजकल बहुत सुस्त रहती है। मेरी तबीयत नहीं अच्छी है माँ। तबीयत अच्छी नहीं है तो डॉक्टर के पास हुआ। चली जाऊंगी।
और हाँ तलाशा मिली थी, तू उससे ज्यादा जोर से बिगड़ गई, कहती थी बहुत जरूरी काम में लगी थी इसलिए यहाँ आके काम खत्म होते ही आ जाए। तेरा खाना भेज के रखा हुआ है, अभी गर्म है खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ। तो शाम को तैयार रहना, मैं स्कूल से आते ही तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन उन्हें क्या मालूम मेरे असली डॉक्टर इन दिनों न जाने कहां गायब हो गए। कहां चले गए तुम? हाथ जोड़ती हूँ वापस आ जाओ, पता भी नहीं दिया कहां रहते हो। दो बार रजिस्ट्रेशन ढूंढ कर आए, वहां भी तुम नहीं आए। आग लगा कर चल दी क्या? अच्छा तुमसे ग्रामोफोन कंपनी पर तुझे कौन से मित्र मिले थे बता ना, किसलिए तुझे प्रेमिन जी से मिलाया था? क्या नाम था उनका? तो उन्होंने तुझे धोखा दिया। क्या? हाँ हाँ उन्होंने तुझे धोखा दिया। कैसे? उस दिन उन्होंने ग्रामोफोन कंपनी में तुझे प्रेमिन जी से मिलाया था ना? हाँ क्यों? अरे बैठ तो खड़ी क्यों हो गई? बोलो ना। जिनसे उन्होंने मिलाया था वो प्रेमिन जी थी। अरे वो तो रेडियो स्टेशन पर तबला बजाया करता है। क्या तबलसी है? तबलसी बेदिल। बेदिल? बेदिल तो उसका नाम है, पर है उसका बेचारी लता मुश्किल में पड़ गई। खैर उस दिन तो मैं बुद्धू बन गई, पर बाद में मेरा मन ना माना, एक दिन लता को लेकर फिर ग्रामोफोन कंपनी पहुंच गई, जबरदस्ती धनधनाते उनके कमरे में घुस गई। हजरत है बड़े बने हुए, इस बार खुद जाकर फिर उसी को पकड़ा, लीजिए मिलिए प्रेमन जी से। वो तो प्रोग्राम डायरेक्टर आ गए तो भेद खुल गया, नहीं तो इस बार फिर बनाकर भेज रहे थे। चलो अच्छा हुआ तेरी अर्जी तो पूरी हो गई। मैंने उनको घर पर इन्वाइट किया था, लतों को भेजा तो उस दिन बुलानी तो घर पर नहीं थी। कहाँ गई थी? वो आई थी, उन्होंने अपना फेवरेट गाना भी मुझे सुनाया था। तब से उन्हीं के चक्कर में पड़ी हूँ, फुर्सत ही नहीं मिली तुम्हारे पास आने की। तब से 3-4 बार मिल चुकी हूँ, काफी घुल मिल गई। चलो अच्छा हुआ। और हाँ सुन, जिसलिए आई हूँ, परसों मैंने पार्टी अरेंज की है, तुम सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगी उनसे। और हाँ हम उनके लिए अपना फेवरेट डांस ड्रामा भी करेंगे, तुम्हें भी पार्ट लेना होगा। मेरी तबीयत नहीं अच्छी, मैं कुछ नहीं जानती, कहो तो पार्टी कैंसिल कर दूं। नहीं नहीं पार्टी को कैंसिल करूंगी, तबीयत अच्छी रही तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा सच बता तुझे क्या हुआ? कुछ तो नहीं। वियोगिनी वियोगिनी से मालूम होती है, बताना। क्या बताऊं, कुछ हो तो बताऊंगी। अच्छा मैं जाती हूँ, परसों दोपहर को गाड़ी भेज दूंगी, जरा जल्दी चली आना है, रिहर्सल करेंगे। अच्छा जाती हूँ। अच्छा तो मुझे सिर्फ नाचना से बता देना, जल्दी क्या है, बाद में तो हम लोगों का इंट्रोडक्शन होगा ही, तो मुझे पहले बता दे।
जी रेनू, आज जल्दी चली आई। माँ मेरी तबीयत खराब है। मैं डॉक्टर को आज घर पर ही बुला लाती हूँ। उठ तो जरा। नहीं माँ, तुम कहीं मत जाओ, तुम ही बैठे रहो। मुझे थोड़ी देर इसी तरह पड़ा रहने दो, मैं अच्छी हो जाऊँ। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं माँ, मेरी तबीयत खराब है। तुम डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, तबीयत अच्छी नहीं, आखिर ये सब है क्या? कौन? तो जरा देखो तो कौन आया है। कहाँ से आए हैं आप? मैं यहीं से आया हूँ, जरा रेनू से बात करना चाहता हूँ। कौन है आप? मैं रेनू, मुझे जानती है, मैं जरा उससे बात करना चाहता हूँ। रेनू? माँ, मैं उन्हें नहीं जानती, मैं उन्हें नहीं पहचानती, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती। रेनू, तुम्हें गलत फहमी हुई है, जरा मेरी बात भी तो सुनो। उनसे कह दो घर से फौरन चले जाए, मैं उनसे बात नहीं करना चाहती, मैं जानती नहीं वो कौन है। पर रेनू जरा सुनो भी तो। बस बहुत हो गया, अब जाइए आप यहाँ से। कौन था बेटा? माँ, मैं उन्हें नहीं जानती। कुछ भी हो बेटा, जो कुछ करना सोच समझ के करना। आप यहाँ का क्या? खिड़की फाड़ कर, दरवाजे से आने पर तुम दरवाजा तो खोलती नहीं, दो तीन बार इस चक्कर में आकर लौट चुका हूँ, इसलिए आज खिड़की से चला। पर ये तो माँ का कमरा है। और अभी भी मैंने स्कूल जाते देखा। तो क्या हुआ, आप यहाँ से जाइए। जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आज मैं तैयार कर आया हूँ, अपनी बात तुम्हें सुना कर ही रहूंगा, फिर तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगा। कहिए रेनू, तुम्हें गलत फहमी हो गई? नहीं तो। तुम्हें गलत फहमी नहीं? नहीं, मैं पहले से जानती थी आप मुझे धोखा देंगे। मैं तुम्हें धोखा दूंगा? जी हाँ, आपने मुझे धोखा नहीं दिया। प्रेमिंदा था कान, मैं किसको सच समझू? कौन है आप? दोनों प्रेमिंद मेरा रेडियो का नाम दादा काम होगा। पर आपने मुझसे जिन साहब का इंट्रोडक्शन कराया था वो कौन सी चंद्रकांत थी? ये जरूर मेरी शैतानी, मैं जरा तुम्हें परेशान करना चाहता था। तो आशा क्यों नहीं परेशान किया? नहीं मिली थी आपको ठगने के लिए। रेनू, यही तो गलत फहमी है तुम्हें, मुझे आशा से कुछ मतलब नहीं। वो मुझे दोबारा मिलने आए, मैंने फिर उससे चक्कर देना चाहा, मगर प्रोग्राम डायरेक्टर ने आकर सारा भांडा फोड़ दिया, तब से मेरे गले पड़ गई। गले पड़ गई है, तभी तो आप मेरे यहाँ से इतने दिनों तक गायब रहे। तुम्हारे इसलिए नहीं आ सका कि मुझे कुछ जरूरी काम था, जब कोई वक्त मिलता तुम्हारे आने के लिए आशा घेर ले। तो आप उसी में घेरे देंगे, मुझसे क्या मतलब? समझने की कोशिश करूंगा, मैं सच कहता हूँ, मुझे आशा से कोई मतलब नहीं, आशा से मुझे कोई मतलब नहीं। आपको उससे मिलने की फुर्सत थी, इसको गाना सुनाने का टाइम था, एक मैं ही बेवकूफ थी जो यहाँ बैठे बैठे चलती। यही तो परेशानी, काश तुम मेरी जगह पर होती तो तुम्हें पता चलता कि मुझे ऐसा कुछ क्यों करना पड़ा। अरे दरवाजा खुला छोड़ के कहाँ गए? अच्छा मैं अब जाता हूँ, मुझे जो कहना था सो कह दिया, अब तुम्हारी समझ में आए तो ठीक है, वरना जैसे तुम्हारी माँ। अरे माँ, दरवाजा खुला वो छोड़ गई, आप जाइए यहाँ से, मैं जाती हूँ, आप जाइए यहाँ से। अरे क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? मैं कहा हुजूर, ये 50-50 का क्या लग रहा है? मैंने कहा आप मिलने वाली थी ना इनसे, लीजिए मिल लीजिए, अब मैं चलती हूँ। यहाँ से कर रहे थे आप? यहाँ बैठकर आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं, आपके घर गया था, वहाँ से पता चला आप यहाँ आई। पर मैं तो अभी भी घर से आ रही हूँ। तो दरबार ने मुझसे झूठ कहा होगा। क्या कहा? कह लेगा कि छोटी मैंने सब अभी अभी फटफटी पे बाहर गई है। झूठा हाँ, बड़ा झूठा है, जल्दी जल्दी चुपका कीजिए उसे। पर आप यहाँ इस तरह खिड़की पे क्यों बैठे हुए? मैं बात यह है कि मैं यहाँ आया, आशा जी आई है यहाँ पर। जी नहीं, सोचा शायद रास्ते में फटफटी फुस हो गई होगी, क्या मैं उनका यहाँ इंतजार कर सकता हूँ? जी नहीं, इंतजार करना तो घर के बाहर जाके इंतजार कीजिए। सोचिए तो सही, आपके दरवाजे के बाहर इंतजार करता हूँ, अच्छा तो नहीं मालूम होता, क्लीन ना हो तो जाइए बाहर इंतजार कीजिए। बड़ी देर के बाद चुपता हुआ फैसला भी हुआ तो बीचों बीच, ना इनके मन की ना मेरे मन की, इसी वजह से आधा घर के बाहर और आधा घर के अंदर आपका इंतजार कर रहा हूँ मैं।
आइए ना। आप बताइए क्या बात है। मैं ये पूछने आया था कि वो संडे को जो पिकनिक हो रही है उसकी बात पक्की है या नहीं। अच्छा जी, पिकनिक तो संडे के पेट में दर्द अभी से शुरू हो गया। दिल बस तगी का बहाना तो खूब ढूंढा। लता, हमारी बात तो हमेशा बुरी रहती है। अच्छा नहीं कहेंगे तो तुम भी क्या याद करो। पर हमारी आपकी तो आज इंडिया गेट से मिलने की बात थी। वो तो सब ठीक है, पर पिकनिक की बात आपने इनसे नहीं की। रेनु से कहने की क्या जरूरत थी, रेनु को तुम अच्छी तरह से जानती हो। गाड़ी लेकर जाती और जबरदस्ती बिठा लाती। नहीं आशा, मैं नहीं जाऊंगी। सब पिकनिक कैंसिल। सॉरी रेनु, तेरी वजह से मेरी पिकनिक कैंसिल हो रही है। रेनु क्या होता जाता है तुझे। अच्छा चलो। अब क्या होगा, आप यहाँ से जाइए। अरे घबराने की क्या बात है, मैं कह दूंगी कि मेरे साथ आए। नहीं आशा, तुम नहीं जानती इनको यहाँ रहने नहीं चाहिए। अब नहीं के साथ आएगी। तुम हमारे साथ चलो। क्यों मेरी जान, ये आशा कमबख्ती सब कुछ है। यहाँ जो इतना बंधन के चले आते हैं वो कुछ भी नहीं। अरे जियो राजा। दिलों को लेकर बस्ती में चली मोटर। हम मस्त दिलों
को लेकर मस्ती में चली मोटर, रग रग में उमंगे उठती, हाँ रग रग में उमंगे उठती, क्या रहेगा कुछ होकर, रग रग में उमंगे उठती, क्या रहेगा कुछ होकर। पंजाब मेल छूटी है ना लगे कहीं ठोकर, पंजाब मेल छूटी है ना लगे कहीं ठोकर। अजी देखो इधर हम कद्रदां आते तुम्हारे हैं, जिदा हो जाओगी अंदाज कुछ ऐसे हमारे हैं। जी हाँ, चेहरों पे पोत लाए हैं, चेहरों पे पोत लाए हैं भरपूर क्रीम पाउडर, चेहरों पे पोत लाए हैं भरपूर क्रीम पाउडर। हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर, हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर। कहो कुछ भी मगर पाकिट में हम अरमा भरे निकले, हुस्न की हाट में सौदाए मोहब्बत करने हम निकले। आबाद हमें होना है, आबाद हमें होना है खुद अपने को खोकर, आबाद हमें होना है। आबाद हमें होना है खुद अपने को खोकर। आबाद हमें होना है खुद अपने को खोकर। हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर, हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर। करोगे हम
फिल्म की है हीरोइन, हम फिल्म की है हीरोइन, तुम सर्कस के जोकर, हम फिल्म की है हीरोइन, तुम सर्कस के जोकर, हम मस्त दिलों को लेकर मस्ती में चली मोटर, हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर, हम परवानों को लेकर नखरे से चली मोटर। कैसी रही पिकनिक? अच्छी रही। बैठिए। चलो वापस लौट चलें। बहुत दूर आ गए। हमारी फ्रेंड्स परेशान हो रही हैं। छोड़िए मेरी फ्रेंड्स को। आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। रेनु से आपकी क्यों नहीं बनती? क्यों? लड़ाई की तो कोई ऐसी बात नहीं। फिर वो आपकी जरा जरा सी बातों पे क्यों चिढ़ जाती है? और आप भी हैं जो उसे जरा जरा सी बातों से छेड़ते रहते हैं। इसलिए कि चिढ़ने वाले को छेड़ने का मजा आता है, इसलिए छेड़ता रहता हूँ उसे। सुंदर। क्या? कितना अच्छा नजारा है। बहुत सुंदर। अब चलिए यहाँ से चले। अच्छा आप अपने घर का पता क्यों नहीं मुझे बताते? यही ना, डरते हैं कि जबरदस्ती आ धमकूंगी, चाय वाय पिलानी पड़ेगी। जी नहीं, ये भी कोई बात है, शौक से आइए। मैं 10 नंबर क्वींस वे पर रहता हूँ। क्या बिना बुलाया आप? मैं आपको इनवाइट करता हूँ, कहिए कब आइएगा। ठहरिए, मुझे को कहने दीजिए। राइट, एतवार को आइएगा। एतवार कहिए कितने बजे आइएगा? यही 2 बजे। 2 बजे एतवार को? 2 बजे। एतवार को 2 बजे चाय मेरे यहाँ पीजिएगा। अच्छा। अब चलिए। चल एक नजर हमें भी तो देख लेने दो अपनी देवी को। आज तुम्हें देखे 8 दिन हो गए, पर ऐसा मालूम होता है जैसे 8 सदियां गुजर गई। ये दिन कैसे बीते मैं ही जानता हूँ। रेनु, रेनु किस बात की सजा दी तुमने मुझे? रेनु तुम इतने दिनों मुझसे क्यों नहीं मिली मैं जानता हूँ। पिकनिक वाले दिन फिर तुमने अपना दिमाग खराब कर लिया था ना, इसलिए बुला भेजा था तुम्हें। तुम आओगी यकीन नहीं था, अगर तुम आ गई मैं सब कुछ भूल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ रेनु, मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ। बहुत बातें बनाना आती हैं आपको। नहीं रेनु, मैं बातें नहीं बनाता, यही मेरे दिल की सच्ची तस्वीर। कुछ बीच में ऐसी गड़बड़ होगी, कुछ समझ में नहीं आया, ये आशा ना जाने कहाँ से बीच में टपक पड़ी। रेनु मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे आशा से कोई मतलब नहीं। मैं सच कहता हूँ मुझे कोई मतलब नहीं आशा। आशा कहाँ? ये उसी की गाड़ी फॉरन है। ऐसे हॉर्न तो बहुत सी गाड़ियों में होते हैं। नहीं नहीं आशा ही है। रेनु आज दिन कौन सा है? संडे। संडे? ये मैंने क्या किया? गजब हो गया रेनु, गजब हो गया। आज इसी वक्त उसके यहाँ आने की बात थी, मैं तो भूल ही गया था। भूल गए थे? तुम शुभा मत करो रेनु, मेरा ये मतलब नहीं था। भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा इस लड़की का। रेनु, रेनु से जबरदस्ती यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया था। जबरदस्ती? रेनु तुम आशा को नहीं जानती। मैं आशा को नहीं जानती। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? भगवान देखो रेनु, रेनु अब जरा ठंडक से काम लेना है, जरा ठंडक से काम लेना। देखो मैं उसे उसी कमरे में बैठाऊंगा और फौरन रवाना करने की कोशिश करूंगा। बैठाओगे भी और रवाना भी कर दोगे? रेनु मैं उसे मिनटों में रवाना करने की कोशिश करूंगा। आशा
देर तो नहीं हुई? ठीक वक्त पर आई? देर काहे की, ठीक वक्त पर आई हो आशा। याद थी मेरे आने की बात या भूल गए थे? भूलूंगा कैसे, फिर ये एंगेजमेंट आपके सामने ही मैंने डायरी में नोट कर लिया था। आइए आइए बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, आप कैसी? अच्छी हूँ, थैंक यू। दैट्स ऑल राइट। कितने कमरे हैं आपके मकान में? कमरे तीन, एक ये एक वो। जरा देखिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आप खाम का तकलीफ क्यों करती हैं? आइए बैठिए बैठिए। आज इतने दिनों के बाद तो हम जरा अकेले में मिले, क्या इधर उधर देख कर वक्त पर बात करें? ओहो, तो आपको भी एहसास है इन बातों का? मैं तो समझी थी कि तकदीर मेरी ही फूटी है। आप बैठिए, मैं जरा नौकर से चाय कहकर आता हूँ। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि वक्त बर्बाद ना करो, और अब आप ही चल दिए। देखिए ये बात तो नहीं, आप आई हैं तो चाय पी कर ही जाएंगे ना, इसलिए मैं नौकर से जरा जल्दी चाय लाने को कहता हूँ। आप बैठिए, मैं अभी एक मिनट में आया। अरे बात क्यों कर, आओ आओ इधर बैठो, हम कहाँ फिक्र करते, बैठो। मैं जरा चाय कहकर आऊँ, तब तक तुम यहीं बैठना। बाहर में सबके लिए चाय लाओ। नाराज क्यों होती हो रेनू? रेनू वो तो सीधे इसी कमरे में चली आ रही थी, उसे बचाने के लिए उससे प्रेम की बातें करनी पड़ी। रेनू मुझे गलत मत समझो, मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के दुनिया में किसी को नहीं प्यार करता। कमिंग। रेनू मुझे समझने की कोशिश करो, देखो इस वक्त तो सब कुछ ही करना पड़ेगा। जैसे ही चाय पी के विदा किया, रेनू मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता। कमिंग डार्लिंग। इतनी जल्दी घबरा गई, जो मैं आ गया? आप तो कह रहे थे कि मैं अभी आता हूँ, फिर अंदर जाकर किससे बातें करने लगे? बातें किससे करूंगा, वहाँ कौन बैठा है मेरा? कोई नहीं। हाँ एक बहरा है जो आपके लिए चाय बनाकर ला रहा है, और दूसरा मैं हूँ जो आपके सामने बैठा आपका दिल बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ। घर मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है, देखने की जरूरत। सुनिए 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 सुनिए, आप उधर कहाँ जा रही हैं? आइए आइए, हम दोनों का वक्त बर्बाद करती हैं आप, ऐसा वक्त फिर कभी मिलता? आइए बैठिए। आशा डार्लिंग, तुम्हें क्यों नहीं एहसास कि हमारे पास कितना थोड़ा वक्त है और कितनी बातें करनी है? तुम्हारे पास बैठकर ऐसा मालूम होता है जैसे हम एक स्वप्नों के संसार में। भगवान करे हमारे ये स्वप्न हमेशा स्वप्न ही बने रहे, जिसमें हम तुम और वो। वो कौन? वो बेरा 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 चाय नहीं लाया अभी तक। बेरा 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 चाय नहीं लाया अभी तक। बेरा चाय कहाँ? चाय तो कभी की मेम साहब के सामने होगी सका। आई सी। शायद इसीलिए आप मुझे जीकर नहीं आने देते। कौन है आप? आपकी बीवी? मेरी बीवी जनाब, मेरी शादी कहाँ हुई जो मेरी बीवी आ जाएगी? तब कौन? आप वो मेरे दोस्त मिस्टर बेदिल। मिस्टर बेदिल वही जो पहले पहले आपको रेडियो स्टेशन पर मिले थे? मिस्टर बेदिल कौन? तबलची? हाँ वही तबलची, आप उनकी बीवी। नमस्ते मिस्टर बेदिल। चलो चलो उस कमरे बैठे, आप बहुत शर्माती हैं। पर बात यह है कि बेदिल साहब सिनेमा देखने गए हैं और आप बहुत शर्माती हैं, घर से बाहर भी नहीं निकलती, घर में अकेला रहना भी नहीं चाहती, लिहाजा बेदिल साहब सिनेमा जाते हैं उन्हें यहाँ छोड़ दें। अरे भाई बहन, चलना नहीं सिनेमा? मैं दो टिकट लाया, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए। आए ये क्या? ओ नमस्ते। नमस्ते मिस्टर बेदिल, आप अपनी बीवी के लिए टिकट नहीं लाए? बीवी? किसकी बीवी? और किसकी? आपकी? हाँ हाँ मेरी बीवी, वो यहाँ है। इन्हें तो मैं भूल ही गया। जी हाँ मेरी स्त्री बड़ी शर्मीली है। पर डार्लिंग शर्म मत करो, यहाँ बाहर वाला कौन है? अरे मैं तो तुम्हारा स्वामी हूँ, प्रेमेंद्र भैया तुम्हारे देवर, और ये मिस आशा तुम्हारी ननद। इन खानदान वालों से पर्दा कैसा? चलो चलो घूंघट डार्लिंग। बेदिल बेदिल तुम खामखा इस बात पर जोर दे रहे हो भाई, वो मेरे सामने कभी घूंघट नहीं खोलती। अरे शोर यार क्या नहीं खोलती, मैं इनकी दक्यान उसी किसी तरह नहीं चलने दूंगा जी। इन्हें प्रेमेंद्र भाई और आशा बहन के सामने घूंघट खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो आशा बहन क्या कहेंगी? अजी मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी मनुष्यत किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर नहीं मानोगे तो फिर अच्छा ना हो, चली जाओ अपने मायके। मगर देखो याद रखना कि मैं तुम्हें जुटाई का सपना चाहूंगा, मगर तुम इसी वक्त यहाँ से रस्ता मापो। चल बेरा खोल दूंगा, एक कप चाय ला। एक्टिंग करते करते गला तक टूट गया,
हाँ? अरे प्रे 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 मालूम होता है ना मिर्गी हो गई है। मिर्गी देखो आशा, तुम जाओ, इनका इलाज करते करते एक घंटा लग जाएगा। मैं माफी चाहता हूँ सर, मामला गड़बड़ होगा, तुम इनका इलाज नहीं देख सकोगी। पर कैसे इलाज करेंगे? इनका इलाज इन्हें लकड़ी से मारना होगा, गोबर खिलाना होगा, जूता सुलाना होगा। बेदिल एक पड़ाव तो मार लिया। रेनू रेनू जरा सुनो तो, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। रेनू सुनो तो, रेनू मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। क्यों? उनका रेडियो पर गाना है, वो मेरे कहने से गा रही है जैसा कि मैं चाहती हूँ। रेनू ये मेरा फेवरेट गाना है, तू भी उनके साथ गा। नहीं आशा, मैं नहीं गा सकती। क्यों? मेरा मन नहीं। रेनू ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहती हूँ उस गाने की इंतजार सुना करूँ। रिकॉर्ड नहीं बना वरना लाकर दिन भर बजाया करती। रेनू तो मेरे लिए इतना भी नहीं करेगी। अच्छा कोशिश करो, टाइम हो गया। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना पड़ा। बात यह थी कि इधर थोड़े दिनों से हमारे मशहूर आर्टिस्ट
प्रेमेन जी की तबीयत कुछ खराब रहती थी, अभी उन्हें गाते गाते गश आ गया। प्रेमेन जी की हालत को देखते हुए हमने उनका 8:30 बजे का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उम्मीद है हमारी मजबूरी के लिए आप हमें माफ़ करें। अब आप वायलिन पर दरबारी सुनिए। बजाने वाले हैं श्रीयुत राजेश, वायलिन पर दरबारी। तुम मिली थी उनसे? हाँ। कब? परसों। कैसी तबीयत थी? कुछ उदास थे, तबीयत तो कुछ ऐसी खराब नहीं मालूम पड़ती थी। आशा मैं जाती हूँ। लालच निकाल दीजिए और आप एक तरफ होकर रहिए। मतलब ये कि आप एक तरफ होकर रहिए, क्यों मेरे पीछे घूमकर आप तकलीफ उठाते हैं, उससे आप कुछ नहीं पाएंगे प्रेमिन बाबू। मैं जानता हूं मुझे तुमसे कुछ नहीं मिलेगा। इसी से कहती हूँ एक तरफ होकर रही, दुख मत उठाइए। आशा बहुत अच्छी लड़की है, सर आंखों पर उठा कर रखेगी। और फिर अमी आपके स्टैंडर्ड की रेनू, मैं तुम्हें किस तरह दिल चीर के दिखाऊं मुझे आशा से खुश होकर। बहुत हो गया प्रेमी बाबू, अब मैं हाथ जोड़ती हूँ। अब और ऐसी बातें ना कीजिए, क्यों मेरे और आशा के दिलों में आप फर्क बनवाना चाहते हैं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तेरे साथ चल। कहाँ? आशा की। मैं तुम्हें लेकर उसके सामने खड़ा करूंगा और कहूंगा, आशा ये है वो देवी जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिन्हें मैं चाहता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता आशा, मैं रेनू से मोहब्बत करता हूँ, रेनू को चाहता हूँ। मैं उससे जल्दी शादी करूंगा, क्योंकि रेनू मेरी और मैं उसका। भगवान बचाए आपसे, बहुत बातें बनाना आती हैं आपको। माँ का? क्यों? माँ से ले। मामी झमर को गई हैं। कब आएंगे? मुझे क्या मालूम। ठीक है, मैं यहीं बैठता हूँ, बस सब बातें माँ से करी। बस बातें बनाना आती हैं आपको, अकल नहीं दी भगवान ने जरा। क्या मतलब? यही कि मैं घर में रहूंगी और आप उनसे बातें करेंगे। इसमें कोई खर्च है? कोई खर्च? मैं आशा के घर जाऊंगी, तब आकर आप उनसे बात। रेडियो पे गाते गाते रश आ गया था, तबीयत कैसा चूज खराब है। खराब थी पर अपनी आइसक्रीम खाई थी क्या? खाई तो नहीं थी, पर दूर से देखी थी। चेता अच्छा मैं जाती, कल कितने बजे आऊं? 9 बजे। आपके आते ही मैं आशा को आके सब जाऊंगी। अच्छा मजा आता, ठीक 9 बजे आ जाऊंगा। कब आई? काफी देर थी। आप कैसे कर रहे थे? अच्छा हूँ, बस। तो रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ था कि आपकी तबीयत खराब है और शाम का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया, इसी से देखने के लिए। शुक्रिया। तबीयत कुछ खराब हो गई थी पर अब अच्छा। वो कैसे?
आपको जो देखनी। अच्छा मेरी बात छोड़िए, आप अपना हाल बताइए, आप कैसे हैं? अच्छी हूँ। अच्छा सुना है आपके पिताजी आने वाले? पिताजी? आपको कैसे मालूम? सुना है आपकी शादी होने वाली है। जी मेरी शादी? जी। ओ, आज तो आप बहुत अजीब अजीब बातें सुन रही। अच्छा तो मामूली बात की। एक बात पूछू, बुरा तो नहीं मानूंगा? एक छोड़ दो, पूछिए। छोड़िए, अजी पूछ लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा आपको। बहुत मौका मिलेगा। अच्छा मैं जाऊँ? आप चलते, चाय नहीं पीजिए? नो थैंक, इस वक्त मुझे कुछ काम। आप बैठिए, आपकी तबीयत खराब है। नमस्ते। नमस्ते। क्यों जी, ब्याह की बात करने आ रहे हैं अभी तो वो, और तुम इस तरह से सजी हो जैसे अभी डोले पर सवार होकर विदा होने वाली हो। आखिर मामला क्या है तुम्हें नहीं मालूम? मालूम तो है, जरा हम भी तो सुने। नहीं बता। निहाल गाके सजनों मोरे मैं हार गई हार गई। तुम संग खिया मिला के, तुम संग खिया मिला के निहाल गाके सजनों मोरे मैं हार गई हार गई। तुम संग खिया मिला के ना कहूँ मन की बात सारी सारी रात, साथ कहूँ मैं जिसकी बात किंतु ना है सारी सारी रात। गर्मी की रात मने हो, सर्दी की रात मने काट ली पर बरखा की रात मुझे मार गई मार गई। तुम संग खिया मिला के, तुम संग खिया मिला के नेहा लगा के सजनों मोरे मैं हार गई हार गई। तुम संग खिया मिला के, जिस दिल को अब तक संभाला था हमने, संभाला था हमने, देखा कहाँ से बलम ने, देखा कहाँ से बलम ने। बुरा हूँ की नजरिया का हराम, बुरा हूँ की नजरिया का हराम। मोरे करजवा के पार गई पार गई। तुम संग खिया मिला के, तुम संग खिया मिला के निहाल गा के सजनों मोरे मैं हार गई हार गई। तुम संग खिया मिला के। बाबूजी बड़े सावा, क्या बकता है? सुना है आपके पिताजी आने वाले। जीते रहो जीते रहो। सेक्रेटरी, यस सर। सामान सब आ गया? यस सर। गिनो मत, मैंने गिन ली है। कुल कितने आदत है? डाउन सीट मुझे मालूम है 25 है, गिनो। ठीक है यार। यस सर। हेलो बॉय, हाउ आर यू? ये बहुत अच्छा है। क्या जो तुम्हारा गला आजकल बिगड़ा हुआ है? हाँ, तुम्हारे गाने रेडियो पे अच्छे नहीं होते। वो गरारा करते हो जो मैंने पिछली दफे कह दिया था, इमली शक्कर गर्म पानी में डालकर। जी हो, क्यों करते हो? मैंने तो बाद में लिख भेजा था, मत किया करो। पिताजी। यस बोल। आपने अपने आने की कोई खबर तक नहीं दी? हाँ बेटा, ऐसे कोई जरूरी काम आ गया इसलिए मैं फौरन चला आया। घबरा नहीं, मैं यहाँ ज्यादा नहीं ठहरूंगा। ये भी कोई बात है। अच्छा ये तो बताइए, आपके आने की बात कोई और भी जानता है? क्यों, किसी को मालूम होगी क्या? नहीं ये तो नहीं, लेकिन यहाँ कुछ हवा ऐसी थी। विलन? यस सर। मेरी यहाँ पहुँचने की बात तुमने प्रेस में दी थी क्या? नो सर। सेक्रेटरी? यस सर। प्रेस वालों को खबर कर दो कि सर राजेंद्र की यहाँ आने की बात बिल्कुल गलत है। अलेक्स बोल, आज सफर में बहुत तकलीफ हुई, प्रेस क्लास में बड़ी भीड़ हो गई। बस क्लास? हाँ जी, सुबह न जाने दो आदमी कंपार्टमेंट में घुसाए लफंगे कहीं के, कहते थे राय बहादुर है। पर हाँ,
मुझे जरूरी काम है। तुम्हारे क्या एंगेजमेंट है रेडियोग्राफन कंपनी? जी एंगेजमेंट तो कोई खास नहीं, लेकिन पिताजी इस वक्त मुझे बहुत जरूरी काम पर जाना है। अजी इस वक्त तो मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे गर्म पानी चाहिए पीने के लिए, और खाने के लिए भूख नहीं है कुछ, पर चाय जरूर लूंगा, और चाय के साथ बतख के 8 अंडे, जरा सा बादाम का हलवा, जरा दाल मोट, समोसे, केक, पेस्ट्री वगैरह वगैरह। जी मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। और देखो मैं आज शाम की गाड़ी से लौट जाऊंगा। जी अजी मैं आज शाम को जाऊंगा। शाम 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। पर पिताजी की जल्दी भी क्या है? नो, आई हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट। मुझे कल महाराज चंपारण से मिलना है, शाम को सर शमशेरगंज ने पार्टी दी है, मैं नहीं रुक सकूंगा। पर हाँ तुम्हारा एंगेजमेंट मालूम है कुछ नहीं है। धलन यस सर, लड़के को साथ में ले चलने में कोई हर्ज तो नहीं है? नो सर, एब्सोल्युटली नॉट सर, हम लोगों के एग्रीमेंट में ये एक इम्पोर्टेंट कंडीशन थी। ठीक है बॉय, तुम भी मेरे साथ दोपहर को चलोगे, नहीं तो लोग कहेंगे सर राजेंद्र बहुत बैकडेटेड डैडी है। जी कुछ नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। झलन यस सर, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी, मुझे नींद लगी है। क्या हुआ क्या यार, अपनी समझ में तो इतना कुछ भी नहीं आता। याद है उस दिन की बात, तुम्हें डॉक्टर बना के रेनू के घर छोड़ने गया, तुम्हें छोड़कर मैं मेहता जी के यहाँ जा बैठा। कुछ देर बाद घर पहुंचा तो पता चला पिताजी बैरिस्टर साहब के यहाँ से लौटे, सामान वगैरह लेके स्टेशन चलती, दौड़ दौड़ स्टेशन पहुंचा, पहुंचे गाड़ी छूटी, बात भी नहीं कर पा। मैंने सोचा कुछ होगा, चिट्ठी लिख देंगे, नए जमाने की बात है, सराज ने अपनी लड़की की मर्जी खराब, उसकी शादी कैसे तय कर सकते हैं। तब क्या हुआ? तब क्या हुआ, पहुंचे को चिट्ठी पत्र नहीं, 5 दिन के बाद चिट्ठी आती, तुम्हारी शादी तय कर दी गई। अब तुम जानते हो मैंने भी सराज का लिहाज ना करते, उन्हें साफ साफ कह दिया मुझे शादी नहीं मंजूर, मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा, उनका जवाब मिलता ये नॉनसेंस। मगर राजा जी का क्या जवाब आया? राजा जी कहते माय वर्ड इज माय वर्ड, मैं पैर से सेना से वादा कर चुका हूँ शादी जरूर होगी, ये उनके प्रेस्टीज का सवाल है। अखबारों में छप चुका है पैर से सेना की लड़की आशा और सराजन के लड़के राधाकांत का ब्याह तय हो गया, एंगेज्ड डन, एंगेजमेंट डन राधाकांत। तब तुमने क्या सोचा? शादी करूंगा। क्या कह रहे हो? हाँ मैं शादी करूंगा, मैं इस मगरूर लड़की आशा को बता दूंगा कि जाल फैलाने का क्या नतीजा होता। पर इस समय आशा का क्या कसूर है? ये उसी का तो जाल फैला हुआ, वरना राजन को क्या मालूम बैरिस्टर सेना किस खेत की मूली है, अगर मूली है भी तो उनकी पूंछ में कौन सा गुलाब का फूल खिला हुआ। तो फिर मिस रेनू का क्या होगा? वही तो इन सब बातों की जड़ है। मैंने ये सब गड़बड़ देखकर उसे कहा कि चलो सराजन की शादी से पहले हम लोग छिपकर शादी कर ले, पर नहीं माने। क्यों माने? शक्की जो ठहरी, हर बात को कुछ और समझती है। मैं आशा को मिलने से क्यों नहीं रोक पाता, मैं उसे साथ क्यों नहीं कहता, तुम दूर रहो। उनको भी तो समझना चाहिए मेरा इसमें क्या कसूर बेदिल, पर वो समझती नहीं, न जाने अपने आप को क्या समझती है। बेदिल बेदिल मैं कह देता हूँ, जो कुछ हो रहा ठीक नहीं हो रहा, मैं कह देता हूँ जो कुछ हो रहा ठीक नहीं हो रहा। राजे की जबरदस्ती मुझ पर नहीं चलेगी, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, नहीं। ये सब क्या है? यू डोंट नो, तुम कुछ नहीं जानते। तुम क्या जानते हो? बात ये हुई कि 4 रोस्ट पेश कर बैरिस्टर सिन्हा का खत आया कि अगली पूर्णमासी के बाद 4 महीने तक शादी की कोई लगन नहीं। मैं तो इतनी जल्दी नहीं करता, मगर तुम्हारी मम्मी जिद पड़ गई कि मेरी होने वाली बहू का 4 महीने तक मैं प्रयोग नहीं। माँ जिद पड़ गई तो क्या हुआ, ये शादी नहीं होगी, ये ब्याह नहीं होगा। मैं ये तो मैं सब बारात साथ में लाया हूँ। बारात? बारात वापस जा सकती है। अगली पूर्णमासी कब है? कब है क्या, आज ही तो अगली पूर्णमासी है। आज? ये क्या?
परेशान है तो मुझे की तरह ही लेफ्ट राइट क्यों कर रही है? रेनू तुझे क्या हुआ है? सवेरे उठते बोली माँ तुम बाहर मत जाना, मुझे आशा किया जाना, मुझे मिर्जवर के यहाँ जाना था, गई नहीं। और तू है जो ठीक 9 बजे से यहाँ पर कसरत कर रही है। माँ मैं अब जा रही हूँ। हमारे घर पे तुम्हारे ये शैतान की कुदरत है, कभी हम अपने को कभी बाहर को देखते हैं। मले गाय हुस्न की तरह से आदाब बजा लाता हूँ, पर ये हमें देखकर आपका चेहरा क्यों उतर गया? किसकी राह देख रहे थे मेरे सरकार? किसी की नहीं तो किसी की? तो ये परेशान सा चेहरा, घबराई हुई आंखें, किसके वक्त नाने चल रही थी? रब बन गए तुम्हें तो मालूम हो क्या किसकी राह देख रहे थे? तेरी मेरी मेरी राह देखते होंगे खुदा के घर वाले। और ज्यादा तकदीर हुई तो भी दौड़ते हुए कल अब नहीं खड़े खड़े शारी करेगी या उधर भी चलेगी। उधर नहीं जाऊंगा, यही सुन ले जो कहने आया। अरे तुम लोग वहां क्या कर रही हो? यहाँ आके बैठो ना। वेट आंटी KCSI. How are you? Fine. How are you? Well, well, badi haseen jagah mein rehte ho barishta tum. You are a lucky guy. सुबह क्यों नहीं आए? ठीक 9 बजे कपड़े पहन के नीचे ही उतरा कि पिताजी आ गए। पिताजी आए? हाँ, तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ। लेकिन क्या कहेंगे आप तो मैं कहूंगी? कहूंगा मेरी फियांसी है, मेरी 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 वो नहीं तो ए जी नहीं जी। खैर छोड़िए इन बातों को। हाँ ये तो बताइए क्या आप यहाँ आए कैसे? क्या शान बुला भेजा? नहीं तो पिताजी को बैरिस्टर साहब से कुछ मशवरा करना था। होगा कोई जमींदारी का मुकदमा उकदमा, उन्हें लेकर आया। तुम कैसे हैं? मुझे आशन बुलाया है, कुछ लोग उसे देखने को आ रहे हैं। आशा को पुराना जूनियर खत्म हो गया, खत्म हो गया रेनू, खत्म हो गया। तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। मैं समझता हूँ आप लोग खले खले होंगे। चलिए अंदर। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। खैर आप कहते हैं पिताजी? यस बॉय। पिताजी जल्दी से लौट चलिए। लौट चलूं क्यों? वो फिर बताऊंगा, जल्दी से लौट चलिए ना। डिसग्रेसफुल, ये कभी नहीं हो सकता। मैं आगे बढ़ के पीछे कभी नहीं हटता, यहाँ से पीछे हटना बुजदिली होगी। आखिर बात क्या है? मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है पिताजी। पेट में दर्द हो रहा है? आप इन्हें अंदर ले चलिए। उमर थैंक सर, मेरी दवाइयों को पेटी दिया, एक डोज में पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा। ये दर्द दवाइयों से नहीं ठीक होगा पिताजी। सर राजेंद्र आप इन्हें अंदर लेकर चंद मिनटों में पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा। ओह श्योर श्योर, बैरिस्टर इज नॉट ओनली अ बैरिस्टर बट ही इज अ डॉक्टर टू। लेट्स प्रोसीड। बॉय अब पेट में दर्द कुछ कम हुआ? जी कुछ कुछ। गुड, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम बॉय।
कुछ हिम्मत करो, हिम्मत करो। हाँ बैरिस्टर सिन्हा साहब, अब हम लोग अपने असली मसले पर गौर करें। अब जरूर जरूर। आई एम एट योर सर्विस। उमन सर, जरा बात करो। जलन जरा बात सुनो। सेरेमनी शुरू कर सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। इतना अच्छा होता कि बेटे प्रेमेंद्र यहाँ होते, न जाने कहाँ चले गए। That's all right, होगा यही कहीं बाग में सैर करता होगा। है तो वो सर राजेंद्र का लड़का, नई रोशनी का, फिर भी हम में हिंदुस्तानी खून है। ये सब अपने गाड़ी के सामने देखते हुए शर्माता होगा। कौन है? नाश्ते फिर आ गया है। आप इन्हें होश में लाने की कोशिश कीजिए, मैं डॉक्टर को अभी भेज देता हूँ। देनु ये बात है, पर वहां से भाग क्यों आए? तेजी लग रही उसको, मेरे सामने होश में आ जाती तो क्या मुंह दिखाता उसे, बड़ी गड़बड़ हो जाती, सख्त सदमा पहुंच जाए। अरे सदमा तो होने की बात ही है यार, मगर तुम भी तो खूब हो। अरे मैं पूछता हूँ कि तुम वहां गई क्यों? सुबह बिना किसी सलाह के पिताजी आ ढूंढे से आना हुआ। पिताजी बहुत जरूरी काम है, तुम मेरे साथ चलो। कोई मामला मुकदमा, इम्पोर्टेंट केस, पेदल वॉट एन इम्पोर्टेंट केस, मेरे गले में ही फांसी दे। ये बताओ उसका कैसे हाल मालूम किया जाए कि उसे होश आया कि नहीं। अरे तो उनके पास चले जाओ ना। ये मेरे बस की बात नहीं पेदल। तब ओ ये बात है, तुम वहां कैसे आओगे कि मैं डॉक्टर भेज देता हूँ? अरे तो बस ठीक है, मुझे ले चलो ना, मैं डॉक्टर बन के चलता हूँ। अरे पेदल वो तेरी शक्ल पहचानती है। अरे पहचानती है तो क्या हुआ, यहाँ छोड़ना। वो अपना दोस्त बोलकर, वो अपना बोलकर मैजिशियन जादूगर। अरे सब कुछ करेंगे, तुम चलो तो मेरे साथ। देखो पहले मुझे डॉक्टर मदन के यहाँ ले चलो, और उसका देख वगैरह लेकर जादू करके यहाँ चलो मेरे साथ। चलो रेनु कहाँ चली गई थी? रेनु मुझे तो ऐसा मालूम होता था उसे चक्कर आ रहा था, इसलिए घर चली गई होगी। मुमकिन है तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब होगी? लता चंपा तुम दोनों गाड़ी लेकर जाओ, देखो रेनु घर पहुंची है या नहीं। ओके सामान डाले। ये क्या मामला है सरकार? शादी किसकी? तेरी। पर जब भी तो मैं कहूँ आज बंगले में चहल पहल कैसी, पर परसों तक तो कोई बात नहीं थी, ये चकबंगनी पर दिया कैसे तार। नई दुनिया है नई बात। सच बताना तुझे मेरी कसम क्या मामला है? पिताजी पिताजी में पहले कुछ खत चले, कल तीन चार बार तार, और रात से श्रृंखला लाई, और आज सुना है बारात आ गई। ओह व्हाट अ लक। और हाँ तुम जिस लिए मैंने तुझे बुलाया है, गाड़ी लेकर जा और मेरे सब फ्रेंड्स को ले आ,
लेकिन दिनों कुछ रेनू की तबीयत खराब थी, अगर वो ना आए तो उसे जबरदस्ती ले आना, उसके बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मामा, मुझे क्या हुआ है रेनू? कुछ नहीं हुआ है माँ, मेरी तबीयत नहीं अच्छी है, पर डॉक्टर तो कहता है तुझे कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर कुछ नहीं जानता है माँ। डॉक्टर तो कुछ नहीं जानता, पर मैं जानती। मुझसे कब तक छुपाएगी रेनू? मैंने तुझसे पहले ही कहा था, जो कुछ भी करना सोच समझ के। माँ, तुमने तो कहा था, पर उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बड़ी अभागन हूँ, मैंने तुम्हारी कोख से जन्म कर लिया। मेरे कोख को न कोस बेटा, अभागन तो मैं हूँ जो अपनी इकलौती बेटी का सुख भी नहीं देख सकती। Thank you.
रेनु दुश्मन नहीं हूँ। कब से पड़ी तू इस बला में? बहुत दिनों पहले से। तब आशा प्रेम से मिली भी नहीं थी। उन्हीं ने मुझे धोखा दिया लता, उन्हीं ने मुझे धोखा दिया। मेरा कसूर नहीं, लता इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कौन कहता है कि तू कसूरवार है? और जरा दिल को संभाल और सच बता क्या हुआ। लता आप सबको तो भेज दी, मगर रेनू को लेकर अभी तक नहीं आई। न जाने क्या बात है। परेशान क्यों होते हो? चलो। ओह, रेनू अभी तक नहीं आई। रेनू की तबीयत खराब है, शायद ना आए। तबीयत खराब होने पर भी आएगी इस मौके पर। पर रेनू नहीं आएगी तो लता क्यों नहीं लौटी अभी तक? 8 बज रहे हैं, हम लोगों को छोड़ के देर से 2 घंटे हो गए। कहीं गाड़ी खराब ना होगी तो? ओह, कहीं एक्सीडेंट। लता भाई आ गए। क्या हुआ, रेनू नहीं आई? नहीं। क्यों, अच्छी तो है? तुम सब थोड़ी देर के लिए उस तरफ बैठो। रेनू अच्छी तो है, मुझे परेशान क्यों कर रही है? रेनू अच्छी है, फिकर ना। अच्छी है तो आई क्यों नहीं? वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? मैं लाती हूँ उसे जाकर। वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। क्यों? वो तुमसे नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? बताती क्यों नहीं लता? एक पहेली को बुझा रही है। एक बात पूछूं? एक नहीं दो। पर पहले बताओ रेनू कैसी है? अच्छी तो है, आई क्यों नहीं? तुम प्रेमन जी से प्यार करती हो? ये कैसा सवाल इसका? यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्या तुम उसे प्यार करती हो? पूछती हो, जानती नहीं? जानती। फिर भी सुनो तो। सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं उनसे प्यार करती हूँ, उस वक्त जब उन्हें देखा भी नहीं था। पर इसमें रेनू के ना आने का क्या मतलब? रेनू के नहीं आने से मतलब रेनू भी उनसे प्यार करती है, शायद तुमसे भी ज्यादा। क्या? ऐसी लड़कियां हैं जो प्रेमन जी भी चाहती है। पर रेनू तो और लड़की नहीं लगता। रेनू मेरी माँ के पेट से पैदा नहीं हुई, फिर भी मुझे दुनिया में सबसे प्यारी है। लगता रेनू को नहीं जानती, वो बचेगी नहीं, वो मर जाएगी। हे भगवान,
ये तूने क्या किया? पर गड़बड़ तो की हुई प्रेमन जी की है, हो सकता है कि उसे चक्कर में लाकर धोखा दिया हो। क्यों? तुमसे मिलने से पहले वो रेणु से मिल चुके हैं। राधा कांत अपना नाम बताकर रोज दोपहर को वहाँ आ जाया करते थे, तुमसे मिले तो तुम्हारे हो गए। दरअसल ये भेद रेणु को ड्रामे वाले दिन मालूम हुआ, जिसकी वजह से बेचारी बेहोश हो गई। रेणु को धोखा दिया? लता तू मेरे साथ कहा जहाँ मैं कहूँ, और ब्याह में तो एक घंटा बाकी रह गया है, इस वक्त कहाँ जाओगी? कोई परवाह नहीं, तुम मेरे साथ चल। हुजूर, बड़े सरकार ने कहा है कि बारात का वक्त हो गया, आप जल्दी से कपड़े पहन लीजिए। रख दो। चले जाओ। आखिर शादी क्या कोई बच्चों का खेल है? उन्होंने कहा कर लो, बस हो गई। मैं तो कहता हूँ ये सब तुम्हारी गलती है, अब भी ये शादी रोकी जा सकती है। खामोश। तुम देखकर मेरा दिमाग खराब कर। तुम यहाँ? जी। मैं आपसे अकेले में कुछ बात नहीं करना चाहती। तुम सब थोड़ी देर के लिए नीचे चले जाओ। ये सब क्या हो रहा है? रेणु का क्या होगा? हो जानती हो लता, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। रेणु को मालूम हो गया क्या? आप रेणु से प्रेम करते हैं? क्या उसने तुमसे नहीं कहा? तुम नहीं जानती क्या? मुझे मालूम है, आपने रेणु को धोखा दिया है। मैंने उसे धोखा नहीं दिया, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मेरे माँ बाप जबरदस्ती मेरी ये शादी करना चाहते। मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आपने कभी आशा से मोहब्बत की? कभी नहीं, लेकिन वो इतनी शरीफ लड़की कि मैंने उसे कभी कुछ। कौन? अब जानने की जरूरत नहीं, बहुत देर। रेणु, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आशा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ रही हूँ, कभी नहीं आऊंगी। अपना दुख अपनी बेवकूफी आप भुगत दूंगी, तुमसे कभी नहीं कहूंगी, तुझे कभी कुछ ना कहूंगी। मैं तुमसे कुछ कहने नहीं आई, मैं तो तुझे लेने आई हूँ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम नहीं आओगी रेणु? आज मेरा ब्याह है। ब्याह? किसका ब्याह? मेरा। किसके साथ? क्यों, प्रेमन के साथ? पहले क्यों नहीं कहा? मेरा कसूर नहीं आशा, मेरा कोई कसूर नहीं। उन्होंने मुझे राधा कांत बनकर धोखा दिया, बहुत दिनों तक मुझे मालूम ही नहीं हुआ, और जब मालूम हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। मैंने कुछ नहीं कहा आशा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, उन्होंने मुझे धोखा दिया। रो मत मेरे साथ, चलो सब बताऊंगी। यहाँ में अब बहुत देर नहीं है, बारात पहुंच चुकी होगी, जो होना था तो हो गया। मेरे साथ चलो रेणु, रेणु मेरे साथ चलो।
अरे तुम सब लोग इतनी उदास क्यों हैं? लड़कियां तो पराई होती हैं, एक ना एक दिन तुम्हें जाना ही पड़ता है। आशा की माँ कहाँ है? वो अपने कमरे में दरवाजे बंद करे रो रही है। हाँ हाँ जरूर जरूर, लड़की का दुख माँ को ना होगा तो क्या मुझे हो? कसम हो गया सरकार, कसम हो गया, गजब हो गया सरकार। क्या हुआ? गजब हो गया। अरे कुछ बोलेगा भी? सिचुएशन क्रिएट। कुछ बोलेगा भी? ये कैसे मालूम हुआ? सर रेनू की माँ ने ही आदमी भेजकर खबर भेजी। क्या? यहाँ क्यों आई हो लता? शादी में रेनू नहीं आई, इसलिए आशा उससे मिलके जाना चाहती है। तो इन्हें उनसे मिला के लिए मैं यहीं बैठता हूँ। अब इनके मन की भी रख लीजिए, जो होना था तो हो चुका। आइए। मैंने
देखी जग की रीत मीत सब झूठे पड़ गए। सब झूठे पड़ गए। ओ, मेरा बालम इतना दोष कि तुम संग नैना लड़ गए। मीत सब झूठे पड़ गए। मैंने देखी जब की रीत मीत सब झूठे पड़ गए। एक दिल दुख जमाने भर के हरे जमाने भर के सब झूठे पड़ गए।